ਉਹਦੂ ਵੇਖ ਹੁਣ ਛੇੜਦਾ ਜਾਣ ਬੋਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋਨ ਸੀਨਾ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਕੱਚੀ ਦੀ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਕਰ ਵੇ ਨਾ ਆ ਮਦ ਕਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ऐसे समझे कि शाम को शुरू कर रहे हैं। सारा दिन जो है ना, एक तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, दूसरा नंबर मैं कहीं गया हुआ था, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा लेट हो गया। तो अभी आया हूँ, मैंने कहा चलो स्टार्ट करते। तो अभी खाने में हम जा रहे हैं जनाब सेब गोभी, और नहीं मतलब कि आलू और गोभी जो है ना वो बना रहे हैं। अल्लाह ले गोभी बेकार जी लेंदी पुरानी जी, मैं सबको बोला था कि बैंगन लेकर आएगा, लेकिन बैंगन नहीं लेकर आया, उसकी जगह वो गोभी लेकर आ गया। ठीक है, वो भी सड़ी भुजी हुई, बाकी देखते हैं इसको ऊपर से काट देंगे ना, फिर ठीक रहेगा। हाँ, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गोभी तो सड़ी हुई है, लेकिन इसको अच्छी तरह से साफ करना। नहीं सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी ना कल या परसों की है, ये ताज़ा नहीं है। हाँ जी, एक आई ने ये जाके धोना धोता है, बाकी सारे धोना सारी साफ करनी है जी। माशाल्लाह पीस वगैरह मैंने कर दिए आलू और गोभी के। ओ गिर गए थले, इन्हू कि मतलब शोरे वाली बनानी है, वैसे दूसरी बनानी है बोन छुन के बनानी शायद मौसम खराब होने की वजह से ना, फिर उसने घर जाकर कॉल की कि जनाब दूध जो है ना वो घर आ गया हमारा, आप यहाँ से ले जाए, फिर वहाँ जाना तो बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि बारिश वगैरह थी ना इसलिए। तो आज फिर जो है ना मौसम बादल वगैरह काफी बने हुए हैं और बारिश आने के काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, ये देख सकते हैं आप। बाकी लकरम के इस साइड से मतलब कम है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गहरे बादल हैं। सालन वगैरह बनाते हैं, घी डाल दिया है, इसमें प्याज वगैरह ये पड़े हैं और छुरी मुझे नहीं मिल रही, ये लगता है कि उधर कमरे में किना भूल गए हम। छुरी आ गई, प्याज आ गया, प्याज तो जनाब बोनी शोनी लगा लू कर सब कुछ जनाब अंदर डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ना दम के तौर पर रखते हैं, उसके बाद आहिस्ता फिर ना इसकी आग स्लो कर देंगे, लेकिन स्टार्ट है अभी, इसको तड़का वगैरह लगाएंगे ना, थोड़ा भुनेंगे, उसके बाद फिर स्लो आग करेंगे, फिर ये जनाब गल जाएगी, सड़ जाएगी, फिर जनाब खाएंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पर शीट वगैरह जो है ना वो बिछा देंगे, तो फिर ये किचन वाला हिसाब किताब ना ठीक हो जाएगा। आगे ठीक है, पैसे दे दूध हाँ बड़ा ठहर जाए कोई चार पाँच दिन, फिर दे देने जाते थोड़ी पे हैं दूध वाला, फिर ही कितनी गुस्सा यार जनाब उनको कहना था जनाब बस कोई चार पांच दिन ठहर जाओ, चलो अल्लाह करम करेगा। कह रहा था कि यहाँ पर ना शीट आ जाएगी कल इंशाल्लाह, तो वो जनाब यहाँ पर बिछ जाएगी ना, फिर ये कचरा मचरा जो अजीब सा लग रहा है ना ये बिल्कुल नहीं लगेगा। वैसा नुगे मारे तेरे जेड है हूं ना, उन्होंने आ चुके हैं करने देते यार की होया पुत्र नोट के दस किने मारे वीडियो दस पुत्र की होया वीडियो दस पुत्र की होया वीडियो दस उठ गए पुत्र की होया पुत्र की होया ये देखा करता आप मेरा लाई जाता आवे शर्म कर लो को शर्म कर लो बाह टूट दी जोन सी ना अभी मेरे कच्ची दीदी भी आई नहीं दिसदी ना कर वे ना आ मत कर भी शर्म शर्म कर ला कोई पर तो सालन में ले सालन में खराब हो गया कौन छेड़ेगा मैंने साहब के जनाब शुगर मेरा लगाते हुए सालन जो है ना वो जनाब नीचे लग गया वो तेरी खैर बचत हो गई लेकिन लग गया यार ये देखें
चलो चार भाई जो हमने बाहर डाल दिए वैसा हैं उनका मुंह नाक सही कर ले ले नाक मारी ना मोड़े ना और मिड्डा करता पे नहीं मिड्डा करता जी भाई साहब की कर रहे हो चमचा लाए माशाल्लाह माशाल्लाह सालन रेडी हो गए पुत्र अल्लाह ला तुसी आटा गुन लो प्यार मोहब्बत नाल आटा तुसी गुन लेता सालन मैं मना मिलजुल के सोने काम करना हुन जिंदी तेरी मां सही नहीं होंदी उंदे पुत्र अपन मिलजुल के काम करना पौना ठीक है ना ए हुन दे गुन्ना या सुबह दा भी हो जावे नाल खराब नहीं होंदा मैं तन चलो हुन दे गुन बस कर नहीं एक दो तीन चार थोड़ा और पा दे चल बस कर ठंडा है शायद खराब ना हो वेख ला चल सुबह अगर शाम लेट भी उठना होता ना नहीं अभी हम सिर्फ अभी काटा गूंद रहे सुबह ना अलग से फिर बनाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे आपको कल मैंने आटा गूंदने का तरीका सिखाया था कि मैंने कहा इस तरह करके ना आटा गूंदना है आपने अब देखते हैं कामयाब होता भी है कि नहीं ला लियो गुंदा पे जीवन दा ये में नहीं गुंदा मैंने पानी और ना पानी पहले गना पाते इन्हों ही सब बॉक्स बॉक्स इन्हें नहीं पाना ना थोड़ा थोड़ा करके पाना ये नहीं नहीं इक्के बजे तो आगे सारा ही पा दिए वाह और के तो इस का पानो चलो थोड़ा ही पानी माशाल्लाह जी शाम हो चुकी है बिल्कुल शाम हो गई है बादल हैं लेकिन सूरज शेर बादलों के पीछे इसलिए थोड़ी बहुत रोशनी है लेकिन फिलहाल अजान आने वाली है आवाज ही जाना उन दो हो गया बस ओके पुत्र हाँ प्रात में साइड थोड़ा साफ सुफ कर दे तो ओके ओके डन पुत्र डन वाल वुल सीख ला पढ़ाई तो बाद अगर कोई अच्छी जॉब ना मिली ना तो आप होटल पाना है मैं सालन बनाना है तू रोटी बना आटा गुनना है तो माँ तेरी जी वो रोटियां बनाएगी तो आप माशाल्लाह अच्छा जो होटल बना के एक दिन फाइव स्टार होटल के बराबर कर देना है इंशाल्लाह फाइव स्टार होटल के बराबर कर देना नहीं चलो मर्जी है तेरी लेकिन मेरी मन साड़ी भी मन है नहीं मनता अवैस ने भी अपना काम खत्म कर लिया अर्शद ने भी सालन बना लिया मेरी बारी है रोटियां मैं बनाऊंगी वो इनसे बनती नहीं है रोटियां वरना ये भी मैंने इनसे बनवा वाह 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 क्या बात है क्या बात है जल्दी कर भूख बहुत लगी तरस आ जाता है मुझे और कुछ बात नहीं रियासे मिले तो खत्म होना लगी काल तो देने लग रहा कट जाए बस इंशाल्लाह फिर परसों रियासे करवाएंगे तंदूरी यार कह दे मेनू उन्होंने कह दे कि तंदूरी सड़ जाए तंदूरी हो जाए ना मतलब यहाँ पर लकड़ी वगैरह कम पड़ी है तंदूरी के साथ साफ का सीधा पता लग सकता है हमारा बारिश हो रही है तो घर जाना है इस वजह से तो कोई नहीं आ सकता वो किसे दे आखिर करा दे ओ सोलंग लगे हुए ने सारे आए हम थोड़ा बाहर के साथ बैठे हैं टिकट वगैरह रास्ता इथे है लेकिन पिंड थोड़ी है तो पक्के सोलंग ने पक्किया ने वो इन्होंने कहा तंदूरी घड़ी है ना वो छोटी चार पांच रोटियां वाली वो अपन वाद चलो हां जी पाइप लोता है शाम कर दिता छोटी कर दे कोई नहीं पुत्र बर्दाश्त कर छोटी नहीं दूसरा दूसरा दिखा यार पुत्र मेरी किदारी खराब हो गई नहीं नहीं खराब हो गई उन्होंने कच्ची खराब हो गई तो ये अभी कच्ची खराब हो गई और मेरी कच्ची खराब हो गई जल्दी कर तेरी चार पांच रोटी वादन अपन चार ही माशाल्लाह जी माशाल्लाह खाना हमारा रेडी होकर आ चुका है हमारे पास वैसा मानो दे तो पानी लिया तो मैं तो ना हूं आगा ਓਏ ਉਹ ਬਾਜ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਬ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਬ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੋ ਆਪੇ ਨਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੀ ਤੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ 15 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕੀ ਆਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਮਾਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਖਾਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਮਨੇ ਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ मजेदार टेस्टी अपनी गरीब अपने मुंह में मीठू बनना तो सही नहीं होता लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं आपके बाबा ऐसे ही है ना अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं चलो जी फिलहाल इस व्लॉग का यहां पर एंड करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे और अच्छी सोने से प्यारे से मिलेंगे तब तक अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान